लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन को किसी दूसरे स्मार्टफोन को कनेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ आप लोगों में से सबको आता है जनरली, लेकिन फिर भी आपको मैंने बताया रखा है ऑलरेडी कि यहाँ पे आपको छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ हर चीज़ बताने की कोशिश रहेगी। और अगर आपको ये चीज़ आती है तो आपको देखने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है, बाकी आप उनको शेयर कर सकते हैं जिनको ये चीज़ नहीं आती होगी, शायद आपके हिसाब से जिनको लगता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन को दूसरे स्मार्टफोन के साथ ब्लूटूथ डिवाइसेस ब्लूटूथ के जरिए बेसिकली कैसे कनेक्ट करते हैं। बड़ा सिंपल है। आप अपने जिसे मान लीजिए इस स्मार्टफोन के अंदर मैंने अपना ब्लूटूथ ऑन किया है और एक हमारे पास और दूसरा एक दूसरी दूसरा फ़ोन है या दूसरी कोई डिवाइस भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन से फ़ोन को ही कनेक्ट करना है। मान लीजिए जो स्मार्टफोन मैं यूज़ कर रहा हूँ इस फ़ोन को मैं अपने हेडफोन के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, अपने म्यूज़िक सिस्टम के इस ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। सबका सेम प्रोसेस होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने उस डिवाइस के ब्लूटूथ को ऑन करना है। जैसे मान लीजिए मेरे बगल में एक हेडफोन रखा गया है, उस हेडफोन के ब्लूटूथ को मैंने ऑन कर लिया है। इसके बाद क्या करना है आपको, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको कनेक्शंस के ऊपर क्लिक करना है एंड कनेक्शन के बाद आपको ब्लूटूथ पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं इसमें ब्लूटूथ का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, उसको क्लिक करिए। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। जब आप इसको टर्न ऑन करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक स्कैन करने लगेगा और स्कैन करने के बाद आपको जितनी भी डिवाइसेज होंगी आपकी आस पास जितनी भी डिवाइसेज जिनका ब्लूटूथ ऑन होगा वो आपको यहाँ पर वन बाई वन सब दिखेंगे। आप बाई नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में जो डिवाइस है जिसका ब्लूटूथ मैंने ऑन कर रखा है उसका नाम ये है MS, जो कि एक हेडफोन है। अगर आपको नहीं दिख रही है इसमें आपकी डिवाइस इसमें विजिबल नहीं हो रही है तो आप फर्दर इसको स्कैन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सबसे टॉप पे आपको देखिए एक दिख रहा होगा स्कैन का ऑप्शन, उसको आप जब क्लिक करेंगे तो स्कैनिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका फ़ोन या आपकी डिवाइस अगर विजिबल हो गई तो आप चाहें तो यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। मेरे को विजिबल है तो स्टॉप कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे जो मेरी डिवाइस है इसको ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी डिवाइस इस फ़ोन से कनेक्ट हो गई। देखिए लिखा आ रहा है कनेक्टेड फॉर कॉल्स एंड ऑडियो। अब यहाँ पर बैटरी परसेंटेज भी दिखाया जा रहा है कि आपके उस डिवाइस में जिसको आपने कनेक्ट किया है उसके अंदर कितनी बैटरी है, कितने परसेंट है, 60% है। अगर आपकी वो डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्टली चलती है तो उसमें बैटरी का कोई चक्कर नहीं है, सीधे सीधे वहाँ पे कनेक्शन आपको दिखाएगा। ठीक है, कनेक्टेड इज सक्सेसफुली कनेक्टेड। ओके, तो इस तरीके से करते हैं, बहुत आसान प्रोसेस है। आप किसी भी डिवाइस को कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये इन्फिनिटी ट्रांस 700 को मुझे हटाना है तो आप यहाँ पे हटा सकते हैं। आप इसको सिंपल सी बात है, आप यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको अनपेयर का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से इसको अनपेयर कर सकते हैं, फिर आप ऑटोमेटिक वो वहाँ से रिमूव हो सकता है। तो इस तरीके से करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटा सा वीडियो था, आप लोगों को बताना था बस कि किस तरीके से डिवाइस से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। छोटी सी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत कीमती टाइम दिया अपना इसके लिए। धन्यवाद।